आप सब आई हो, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज तक हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। और ये शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है आज चाय से, और बजे हैं 5:30 का टाइम है। देखा नहीं है ऐसे 5:30 का है टाइम, और यहाँ पे बनने लगती है चाय, और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया। सुबह से नहीं किया, मन नहीं होता कभी कभार। और जो बर्तन थे आज दोपहर के 2:30 बजे थोड़ा आराम किया, उसके बाद टाइम हो गया था चाय का, चाय बनाई। और ये बर्तन चाय बन रही है, इधर बर्तन जो पड़े हैं ये धुल लूँगी। कभी कभार मन नहीं होता है, तो यहीं से ब्लॉग आज स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो मैं सोचा बाद में धुल लूँगी, कोई नहीं। और यहाँ पे बर्तन धुल गए थे, लगा दूँगी। काम तो बहुत हो जाते हैं, खैर काम तो सर्दी हो या गर्मी, काम तो नहीं होते कभी ख़त्म। ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए मैंने सोचा बाद में धुलूँगी। धुल लिए थे, इधर बन गई थी चाय, और खोल गई थी अच्छे से, काफ़ी देर तक खोली है, काफ़ी गाढ़ी हो गई थी और बन गई। आप लोग भी आ जाइए, मैं बोल रही थी। चाय पीने के बाद यहाँ पे कपड़े जो सुबह धुले थे ये सूख गए थे, अब नीचे ही सूख जाते हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी उठा लूँगी कपड़ों को, काम का है ये क्लिप, ऊपर कौन जाए, और वहाँ तो जल्दी सूख जाएंगे, फिर ध्यान भी नहीं रहता, कलर भी चला जाता है इसलिए। चाय बना के पी ली, और जो कपड़े उपड़े थे झाड़ू वाड़ू लगाने थी लगा ली। कमरे में अभी मेरा कमरा ऐसे पड़ा क्योंकि वो ड्राइंग कर रही बेटी, तो इसलिए मैं अभी लगा दी थी पर, और अभी सामान वामान बिखेरे हैं और अंधेरा वो नहीं लगा है, अंधेरा नहीं है। अभी 6:30 हो गए, और तो ये बना रही, देखो ड्राइंग, ये एक अच्छे से दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो ये साइंस का है लग रहा मुझे, ये है ड्राइंग। काफ़ी देर से लगी पड़ी, झाड़ू तो लगा दी थी कमरे में, इतने सामान वामान बिखेर कर बैठी हुई है पूरा, ये देखो पूरा सामान पड़ा हुआ है ऐसे ही। अब मैं जाऊंगी अंदर, बनाऊंगी खाना, सोचूंगी सब चीज़ देखूंगी क्या बनाऊंगी, समझ में नहीं आता। बैंगन भी रखे हैं, थोड़ा पनीर भी रखा है थोड़ा, तो देखूंगी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि पराठे बना लिए थे तो थोड़ा है, तो देखूंगी पनीर बनाऊँ के बैंगन की, बैंगन के भरता बना लूँ बैंगन का, पनीर पर ख़राब हो जाए, 3 दिन से रखा है। आज सुबह पराठे बना दिए थे पनीर के, थोड़े भर दिए थे दोनों बच्चों को, स्कूल नहीं गए थे, घर पे ही थे दोनों। और ये रखा है, बन जाएगा, इतना है, 200 ग्राम तक है, हो जाएगा। यही बनाऊंगी बैंगन, कल बनाऊंगी भर के, क्योंकि एक टाइम ही खानी है, तो हो जाएगी ये, तो मैं निकाल लूँगी, यही बना लूँगी। तो मटर तो है नहीं, तो और ज़्यादा हो जाती शाही पनीर ऐसे बना लूँगी, 3 दिन से रखा है नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि मंगाया था, नहीं बनाया सुबह, परसों मंगाया था, परसों से रखा है ऐसे ही, और थोड़े बर्तन हो गए चाय आएगी, बाद में धुलूँगी जब खाना बना लूँगी उसके बाद, तो आप लोग बने रहना। और शाम से आज वीडियो स्टार्ट किया है मैंने, टाइम मन नहीं हुआ, कभी कभी मन नहीं होता है फ़ोन पकड़ने का, सच में ब्लॉग बनाओ जहाँ जाओ वहाँ कैमरा और ये लेके जाओ, तो इस वजह से आज मन नहीं हुआ, तो शाम से स्टार्ट किया है। आप लोग बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना, और पूरा देख के ही कमेंट किया करें आप लोग, सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक ब्लॉग बड़े उसमें तैयार हो पाता है, जो ब्लॉग लिंक करते हैं उन्हें पता है कि कितनी मेहनत है इसमें। तो आई होप आपको बात समझ आई हो, तो बने रहना आप लोग, करती हूँ स्टार्ट फटाफट जल्दी जल्दी, टाइम हो गया है काफ़ी।
और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, गरम तेल हो गया था, एक खड़े ले लिए थे मसाले, मैं दिखा रही थी आप लोगों को, टैपर में साइड में रखने लगी हूँ अब। और यहाँ पे मैंने प्याज दो बड़े बड़े काट के रख लिए थे, और टमाटर दो और मीडियम थे, और दो हरी मिर्ची थी क्योंकि लाल भी है थोड़ी, कुछ सूखी वैसी पिसी हुई डालूंगी कलर के लिए। मसाले डाल, वो खड़े मसाले डाल दिए थे, उसके बाद प्याज डाल दूंगी सॉफ्ट हो जाएगा, फिर टमाटर डाल दूंगी, चलाऊंगी ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने वीडियो क्योंकि लाइट चली गई थी, तो इसलिए अंधेरा हो गया था काफ़ी, तो मोमबत्ती से मैंने काम किया, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, बना तो था पर साफ नहीं था, तो इसलिए और हो गया था ये मसाला। तो मैंने कम से कम 10-15 मिनट के लिए मैंने ऐसी कढ़ाई छोड़ दी थी, कढ़ाई में ही ठंडा हो गया है, तो ये मैंने मिक्सी की जार में निकाल लिया है, इसे पीस लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और ये पनीर रखा है कट करके रख लूँगी, शाही पनीर बना दूँगी। ऐड करती है उसमें अंधेरा अंधेरा तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मसाला सलाद तो आप लोगों को दिखा ही दिया था, पनीर भी डाल दिया था, बना हुआ नहीं सिर्फ दिखाया, तेल गरम हो गया था तो जो मसाले मैंने पीस के रखे थे ये डाल दूंगी, और बहुत अच्छा बना था सच में, काफ़ी अच्छा मसाला काफ़ी हो गया था। धीमी कर दी है थोड़ी, और जो इसमें लगा था तो मैं पानी डाल के अच्छे से इसे भी डाल दूंगी। वैसे लाइट जाती नहीं है, कभी कभार चली जाती है लाइट है, और ये मसाला डाल दिया है, थोड़ा पास से मैं दिखा रही थी क्योंकि कैमरा रखा था दूर, और ये खड़े मसाले वैसे पिसे हुए मसाले डाल दूंगी, थोड़े थोड़े डालूंगी क्योंकि खड़े काफ़ी डाल दिए हैं, हल्दी धनिया पाउडर और शाही पनीर ये सब थोड़ा थोड़ा डाला था क्योंकि ज़्यादा मसाले हो जाते हैं फिर, क्योंकि इतना तो था नहीं, थोड़ा ही बनाना था, वो मसाले मैंने काफ़ी पहले ही ले लिए थे इतने सारे, लेकिन बहुत अच्छा बना था खाने में। और चला दूंगी मसाले अच्छे से भुन जाए, और तेल अलग हो गया है, उसके बाद डालूंगी पनीर, उसके बाद मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, तो आधा मैंने पनीर दिखा पाएगी शाही पनीर, और उसके बाद चली गई थी लाइट, मसाला सलाद सारा डाल दिया था आप लोगों के सामने, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, ज़्यादा क्या बिल्कुल सूट नहीं किया। और आई है 9:45 लाइट, तो खाना आना मैं खा रही थी, फिर लाइट आई क्योंकि इंतजार कब तक करती, कब आती लाइट, तो इसलिए। और ये देखो बर्तन, खाना आना हो गया है, ये बर्तन धुलूँगी, अब ऐड इसमें नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए तो ये बर्तन धुलूँगी। और उम्मीद करूंगी आप लोगों को पसंद आएगा, जो भी चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय, फिर मिलूंगी।